पिछले साल 4 दिसंबर को हुए एमसीडी चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को आ गए थे, लेकिन इस बार 2 महीने के बाद भी दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिल पाया। जबकि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 ये कहता है कि महापौर और उप महापौर का चुनाव पहली बैठक में ही हो जाना चाहिए। 6 जनवरी, 24 जनवरी और अब 6 फरवरी को लगातार तीसरी बार निगम की बैठक शुरू होते ही पीठासीन अधिकारी ने मनोनीत पार्षदों को वोटिंग राइट के अधिकार के साथ आपके 2 विधायकों के सजायाफता होने का हवाला देते हुए सदन से बाहर जाने को कह दिया। बस फिर बवाल मच गया। निगम मामलों के जानकार जगदीश ममंगई का कहना है कि पीठासीन अधिकारी को सिर्फ मेयर का चुनाव कराने का अधिकार है, बाकी का चुनाव निर्वाचित मेयर चुनाव खुद कराएगा। अगर 2 विधायकों को वोटिंग राइट नहीं देना है तो बीजेपी के कई काउंसलर पर केस चल रहे हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि चुनाव एक साथ होने पर बीजेपी को फायदा मिलेगा। मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव एक साथ होने पर बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम कहता है कि जो मनोनीत सदस्य या एल्डरमैन सदन की बैठकों में मतदान नहीं कर सकते हैं। हालांकि पीठासीन अधिकारी ने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए वोटिंग राइट दिया। यही वजह है कि मेयर के चुनाव के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। कुल 151 वोटों के साथ मेयर, डिप्टी मेयर के लिए आम आदमी पार्टी बहुमत में है। ऐसे में ये हार जाने के बाद भी बीजेपी को स्टैंडिंग कमेटी में 10 वोट का फायदा मिलेगा। ऐसे में अगर आपकी मेयर ये चुनाव संपन्न करवाती है तो 10 मनोनीत पार्षदों की कमेटी में वोट नहीं होने का खतरा बीजेपी को लगा रहेगा। वहीं अगर एल्डरमैन स्टैंडिंग कमेटी और हाउस में वोट करते हैं तो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के चुनाव में बीजेपी और मजबूत हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी सांसद रमेश बिंदुड़ी ने कहा है कि इतिहास में सर्जिकल स्ट्राइक भी पहली बार हुई थी। वोट डालने का अधिकार पार्लियामेंट तय करती है, केंद्र सरकार तय करेगी किसको वोट डालना है किसको नहीं। वहीं बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार बताया। उन्होंने कहा है कि महापौर के चुनाव में एल्डरमैन वोट कर सकेंगे या नहीं ये फैसला पीठासीन अधिकारी का है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही हाउस में एक ही वोटर को 2 अलग अलग स्थिति हो कि वो जोन में वोट कर सकता है लेकिन हाउस में नहीं। जब जोन में आवश्यकता थी तब वहाँ वोट पड़ा, आज हाउस में आवश्यकता है तो पड़ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि विपक्ष का मेयर बनाने को लेकर प्रदर्शन हो सकता है। मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोटर पार्षद, विधायक और सांसद मेयर बनवाने के लिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एमसीडी की पीठासीन अधिकारी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पीठासीन अधिकारी ने एक्ट के खिलाफ एल्डरमैन को वोट देने का पावर दिया। क्या भारत का संविधान बीजेपी दफ्तर में लिखा जाएगा? चुनाव के लिए विधायकों को प्रवेश पत्र भेजा गया, फिर विधायकों को बाहर करने की मांग क्यों? जबकि दोनों विधायकों संजीव झा और दुर्गेश पाठक की सजा पर स्टे लगा हुआ है। विधानसभा और लोकसभा में बीजेपी हारेगी तो सीएम या पीएम नहीं बनने देगी। बीजेपी एल्डरमैन को वोट कराना चाहती है, ये शक आज साफ हो गया है। बैठक में बीजेपी के 4 सांसद शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें पता था कि बैठक नहीं होगी। सभी तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मेयर के चुनाव की मांग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज।